मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से आवाम का तहफ़ यकीनी बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत और NDMA को हिदायत जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ख़तरे की जद में आने वाले इलाकों के आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मुतासर आवाम को आर्जी पना गाहों और खुराक की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। सैलाबी सूरत हाल में करंट लगने जैसे वाक़ात के तदारुक के लिए हंगामी इकदाम भी किए जाएँ। तो मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मानसून का ये स्पेल है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि महकमे मौसमियात की जानिब से कि बारिशें बनाने वाला जो नया सिस्टम है वो भी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। ऐसे में वज़ीर आज़म की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि ख़तरे की जद में आने वाले इलाकों के आवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और खुराक की फराहमी भी यकीनी बनाया जाए। तफसीला जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से आवाम के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हदायत जारी की है। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी हदायत में कहा गया है कि आवाम के तहफ़ और नुकसान से हत्तुल मकान बचाव के लिए भरपूर कोशिशें की जाए। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों और EDMA के साथ इश्तराक अमल के लिए हदायत की और कहा है कि वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और अदारों की भरपूर मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खतरे की जद में आने वाले इलाकों को आवाम जो है उनको महफूज मुकाम पर मुश्किल किया जाए और मुतासरा आवाम को आर्थिक नागाहों और खुराक की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने यह भी हदायत की है कि हंगामी तौर पर जो तिब्बी अमदाद और वबाई अमदाद से बचाने के लिए जो मेडिकल टीमें हैं उनको मुतहरक किया जाए और बारिशी और सैलाबी पानी के नकाज के लिए मतलूबा मशीनरी और अमला मुतलका मकाम पर पहुँचाया जाए, सप्रे करवाया जाए ताकि वहाँ पर जो है वो वबा को रोका जा सके। और कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में अब वाद पर बहुत दुख है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जो है वो मुतासरी से इजहार हमदर्दी भी किया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची और सिंध में आवाम के तहफ़ रेस्क्यू और रिलीफ में सूबाई हुकूमत और अदारों की मामलत करने की हदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल में करंट लगने जैसे वाक़ात की तदारुक के लिए भी हंगामी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने बारिशों से होने वाले नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया और मुतासरी से यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि आवाम के तहफ़ और मदद के लिए तमाम ठीक है, आवाम को तहफ़ यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। लियाकत आपका शुक्रिया।